हाय फ्रेंड्स, आज मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ। कुछ स्पेशल पकोड़े हैं, ये पत्ते की पकोड़े बनाऊंगी। ये मेरे अपने गार्डन की है पत्ता, हरा पत्ता, इसकी सब्जी भी बनती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसकी पकोड़े बनाती हूँ, तो जिसके लिए मैंने ये पत्ता ली हूँ, हरी भाजी बोलते हैं या जो भी, ये धनिया पत्ता ली हूँ, ये कड़ी पत्ता ली हूँ, ये दो हरी मिर्ची ली हूँ, ये छोटा प्याज ली हूँ। अब मैं ये सबको काट के फिर और जो आगे डालूंगी सो मैं आपको बताऊंगी। ये देख सकते हो मैंने सबको काट ली हूँ। अब पहले इसमें ऐड करूँगी बेसन, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये देखिए मैंने पानी डाल के थोड़ी सी इसको मैंने अच्छे से मिला ली हूँ। अब मैं इसको पकौड़े तलूंगी। ये देखिए तेल गर्म हो चुकी है, मैंने रिफाइंड ऑयल ली हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ये हरी पत्ते की पकौड़ा। इसको धीमे आंच पे पकाएंगे कि जल ना जाइए। ऐसे करके पूरे पकौड़े तल लेंगे। हरे पत्ते वाली भाजी के पकौड़े बन के तैयार है। बहुत ही करंची और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी बनती है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट में आती है इस पकौड़े में। आप बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।